कभी नहीं सोचा था कि लद्दाख आके ये करूंगा। नहीं नहीं, कंटेंट का नंगा नाच करते करते लिटरली नंगा नहीं हो गया बल्कि लिविंग द लद्दाखी वे ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट। अपनी कुछ 2000 किलोमीटर की जर्नी में कल हम मनाली से 419 किलोमीटर कवर करके फाइनली पहुंचते हैं सोकर यानी व्हाइट लेक। और आज हम अनवील करेंगे कि इस लेक को व्हाइट क्यों बोला जाता है और जाएंगे लद्दाख की उस जगह जो इंस्टाग्राम पे अलग ही पॉपुलर रहती है और कोशिश करेंगे कि आज रात सुकून से ओवर लैंडिंग कर पाए, जो कि इतने हाई ऑल्टीट्यूड में आसान नहीं होने वाली। क्या हालचाल दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और रात को 9 बजे सोया, 7 बजे उठे, 10 घंटे की नींद। अस्तुल गुड मॉर्निंग ब्रदर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड एक्सेशन आप। यस, यू नो आज के बाद कुछ पता नहीं मैं ना काम मिलेगा, तो मैं आज तो मौका है दस्तूर भी पील दो। और यार दोस्तों, अभी फाइनली पहुंच गया सोकर एंड आपको तो कुछ पता नहीं चल रहा था। गुड मॉर्निंग यदि गंदी रखी है, तो आज हम सोच रहे हैं कि वी गो फ्रॉम ए टू सोकर, सोकर से करेंगे पूगा और पूगा से रोड जाती है पीछे पीछे से टूवर्ड्स सोमोरीडी और आज रात को हम निकली सोमोरीडी में। सोकर इज एक्चुअली वेट लैंड, ठीक है, वेक है एंड अराउंड बहुत सारा वेट लैंड है। एक स्टोरी है बहुत सी जो आपको स्थाना बताएगा नैशनल वील के साथ हुआ था, सो दैट्स विद द सोकर जब हम निकलते हैं डैश कैम में। पर उसके बाद जाएंगे पूगा विच इज़ अ नेशनल हॉट स्प्रिंग्स, तो अगेन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग ऑन दिस सर्किट। And then I'm there, so that is going to be our day 2. Abhi hamari gaadi mein tel hai almost 65% and hamara POA hai aaj kal ki ek one jerry can in the car, so that the gaadi hamara aaj ka POA hai ki jab mein saans phool gaya hai because of the high altitude and I'm still getting acclimatized, ki kal raat mein halka halka sar dard ho raha tha because obviously we didn't acclimatize well, but we acclimatized enough. It was other extreme new, so I could just drink a lot of water, I take care of myself. एक जरीगन डालेंगे 20 लीटर का, जो पीछे पड़ा है चेक कर लेंगे। उसके बाद हमने सुना है आगे 2 किलोमीटर के बाद एक गांव है जहाँ पे ये तेल मिल सकता है ब्लैक में, वी विल चेक देयर आल्सो कि कितना तेल का कॉस्ट होगा, बता सकते हैं कि अगर आप लोग वायदे तक तेल तैयारी नहीं कर पा रहे हैं देन वेयर ऑन कैन वी फाइंड यू ऑन दिस सर्किट। तो इस सीरीज को पक्का फॉलो कर लेना दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे आज के प्लान के मुताबिक हमारी पहली लोकेशन है सोकर, इसलिए हम सीधा निकलते हैं सोकर की तरफ। और इस लेक की एक बहुत फनी येट इंटरेस्टिंग कहानी जो अस्थाना के साथ घटी प्रस्तुत है अस्थाना की जुबानी। बहुत साल पहले यार हम लोग ऐसे सोकर पे कैंपिंग करने और चिल करने, आई थिंक दिस वाज 2012 और 14, नॉट श्योर। तो हमारे पास एक जिप्सी होती थी, तो हमने जिप्सी एज यू नो कहीं पे भी चढ़ा दो, कहीं भी पहाड़ चढ़ा दो, कहीं भी डाल दो तो हमने उठा के सोकर लेक में जिप्सी डाल दिया भारी। आपको देखेगा अभी ड्रोन शॉट में, इट्स नाइस एंड ग्रीन, यू विल फील कि यू कैन पार्क हियर एंड चिल हियर। तो ग्रीन में फिर भी शायद कर सकते हो, बट वी वेंट टू क्लोज टू द लेक बिकॉज लेक के पास ऑब्वियसली द फीलिंग वाज वेरी नाइस, सो वी थॉट वी विल कैंप बाय द लेक। तो हमने कैंप साइट सेट किया लेक के पास, जिप्सी खड़ी करी और चिल किया। और सुबह जब हम उठे तो हमारी जिप्सी वाज स्टैंडिंग इन द लेक 90 डिग्रीज, वाओ, ऐसे इंजन का वेट की वजह से धीरे 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 ओवरनाइट द वाटर पैन द वाटर बेड बिकेम सॉफ्ट एंड इट जस्ट एब्जॉर्ब्ड द जिप्सी इन एंड 90 डिग्री खड़ी हुई थी यार जिप्सी। फिर हमें जेसीबी वालों को बुलाया और कोई भी साफ मना कर देते हैं, कहते पैसे नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, अब पेट्रोल दे दो डीजल दे दो हम आपकी गाड़ी निकलवा देंगे। सो वी वर लकी, वी वर टू जिप्सीज वी हैव, वी वर कैरिंग एक्स्ट्रा फ्यूल बिकॉज like Akash knows ye route pe hamare paas tel hai nahi, so even back then we were carrying a lot of fuel like maybe 100-200 liters, so we had enough fuel to give the jcb wala and all and get the gaadi out. Jeez. But the best part was sokar gaon mein jab gaye to gaon walon ka best reaction tha, are gaadi chhod do, ye gaadi khatam hai because they know ki tum log jaoge aur next day wo gypsy nikalenge aur paadi mein gypsy paadi ho paadi ho jayegi। But हाँ दोस्तों, तो ये है क्रेजी सोकर की लेक। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं प्लीज़ सॉल्ट बेट से दूर रहे, और जो अगर कल भी रहे तो अपनी गाड़ी जाके रोड पे या ऐसी जगह खड़ी करें आपको जमीन लग रही है और दल दल नहीं, क्योंकि तो सुबह तक आपका हैप्पी बर्थडे हो सकता है। बट नाउ वी हैव फाइनली एंटर्ड द ट्रेल ऑफ सोकर लेक।
जो सॉल्ट बेड्स आप देख सकते हैं कितना अच्छी है, वे वेट बेड्स है सोकर के, एंड आप देख सकते हो पूरी गाड़ी में हमने ट्रेल बनाते हुए आया बिल्कुल। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाड़ी को फोर लोगों को डालना पड़ा एट वन पॉइंट बिकॉज गाड़ी फंस गई थी, बिकॉज ये थोड़ा स्लशी है देख रहे हो, और इसके बाद वो गाड़ी कितनी घुस रही है, बट इतना ज़्यादा नहीं है थैंक्स टू आर मड टेरेन टायर्स। आप देख सकते हैं इनके जो ग्रूव्स हैं यही हमारा दिन बचा ले रहे हैं। वो नहीं हमारी सुगर नदी, उसके पास जाने के लिए पैदल जाना पड़ेगा, गाड़ी लेके नहीं जा सकते, मत जाना फंस जाओगे। दिस इज लुकिंग ओके बट देखो मेरा पाँव इतना घुस जा रहा है, गाड़ी का घुस रही है और आगे जाते जाते गीला होता जा रहा है। अब आएंगे काश भाई कहाँ से आपको ये पता है, मेरे साथ मिलो 3 2 1 ऊपर से टेक ऑफ। कुछ बहुत सारा फन करने के बाद मैं और अस्तु फाइनली सोकर से निकल पड़े हमारे नेक्स्ट लेग ऑफ आवर ट्रिप व्हिच इज टुवर्ड्स पुगा। सोकर से पुगा इज 35 किलोमीटर्स और पुगा से आगे जाके हमें एक राइट टर्न लेना है एंड कुछ सिर्फ 40-50 किलोमीटर्स के आसपास है सोमोरीरी। अब इश्यू क्या है ना, ये किलोमीटर्स आपको सुनने में तो बहुत कम लग रहे होंगे पर इन फैक्ट द रोड्स आर गोइंग ऑन, हमारा एवरेज इज नॉट मोर देन 25 किलोमीटर पर आवर 25 एवरेज। 25 हम गुड एवरेज दे रहे हैं मतलब विद लद्दाख इतना डाइवर्स है कि यहाँ हर कुछ किलोमीटर में कॉन्टूर्स और लैंडस्केप काफी चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों, you can see a lot of sheds for the beautiful sheep of Ladakh. चलो, तो एक और बनाया हुआ establishment, similarly there's so many establishments over there. और अभी हम सोकर से कुछ 30 किलोमीटर आगे ही आए होते हैं कि कब व्हाइट सॉल्ट बेड्स सल्फर लैंड में चेंज हो जाते हैं और हम पुगा पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता। I can smell the sulfur now. तो ये पुगा का बिगनिंग है भाई, 100%। ठीक है, स्मेल नहीं आ रही सर कोई भी? थोड़ी थोड़ी। दोस्तों अब एक्चुअली वेयर सल्फर की काफी स्मेल शुरू हो गई है। ओह वाओ, एवी रॉक उतरते ही आप देख सकते हैं इनका सल्फर रॉक जलाएगा। रुक जा शैडो में जलाना। सो गाइस अगर सल्फर रॉक है तो ये आग पकड़ना चाहिए, ठीक है? वाह बहुत है यार, यहाँ परफेक्ट है। पकड़ से ये देख, हाँ आप देख सकते हो गाइस वॉक पकड़ रहा है। तो दीज आर सल्फर रॉक्स और देखो कितने सारे हैं, ये रहा मेरे हाथ में एक सल्फर रॉक। सो दैट्स लाइक सल्फर ऑल्सो, पूरी की पूरी वैली दोस्तों सल्फर से भरी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सो मच सल्फर या इन योर वे एंड अदर स्टेप दैट सो द बिगनिंग पॉइंट ऑफ पुगा। अब इसके बाद पुगा शुरू हो जाएगा। अभी तो ये पुगा की स्टार्टिंग है और जिस पिक्चर परफेक्ट चीज की हमें तलाश है वो अभी भी ढूंढना बाकी है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम पुगा हॉट स्प्रिंग्स में। मुझे ये तो नहीं पता कि हॉट स्प्रिंग्स वो जो इंस्टाग्राम में लोग भाग रहे होते हैं बोलते हैं दीज आर पुगा हॉट स्प्रिंग्स, वो कहाँ है तो उनको मैं ढूंढना है बाकी। पर राइट अंडर मी यू कैन नाउ सी इज अ हॉट स्प्रिंग। पानी भाड़ देखते हैं, पानी कुछ होगा 50 डिग्री सेल्सियस एंड इट स्मेल्स लाइक सल्फर वाटर। काफी क्रेजी, इसका मतलब एक ही है कि ये ही है पुगा हॉट स्प्रिंग्स। एक यहाँ पर है, एक वहाँ पर है। ऊपर थोड़ा ठीक लग रहा है बिकॉज ऑफ हवा, बट व्हेन आई पुट इट इनसाइड इट्स हॉट, इट्स ब्लडी हॉट। कहाँ से आ रहा है पानी, कितना डीप है? नो डैम आइडिया, नो क्लू ब्रो। बस बबल्स आ रहे हैं और हेवनली रेज आ रही है अंदर से, रेज भी कुछ अलग ही निकल रही है। आई डोंट नो आप देख सकते हो नहीं बट पानी में से बहुत सेक्सी रेज आ रही हैं इस टाइम पे। And it feels like they're coming from the bottom. It's being reflected from somewhere at the bottom. Yeah. इस छोटे से हॉट स्प्रिंग को देख के हमें ये लगा कि बस यही हॉट स्प्रिंग है, इसीलिए हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अपनी जर्नी कंटिन्यू कर ही रहे होते हैं। Yeah.
मैं क्या बोल रहा तुमको, कुछ फटता है, ये अपने आप ही बना हुआ है पहले से ही अपने आप। इसी जन्नत की तो मैं बात कर रहा था इतनी देर से। It's actually fattening right now. Wow. इसलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया में मैं बहुत घुमा हूँ, पर जो यूनिक एक्सपीरियंसेस इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं वो दुनिया में किसी भी देश में नहीं मिल सकती। और इसी के साथ हम दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू कर ही रहे होते हैं कि इतने में हमें दूर से एक पत्थर किसी लेक पे तैरता हुआ दिखा, और जैसे ही हम उस लेक के पास पहुंचे, देयर इज अ अंकल हु इज टेकिंग, वो रहे अंकल नहाते हुए। झूले जी कितना गर्म है पानी, मजेदार। और अब ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका भाई इन हसीन वादियों के बीच इस खूबसूरत हॉट स्प्रिंग को बस दूर दूर से निहारे। इसीलिए वेलकम टू पूगा दोस्तों, नॉट द वे आपने अभी तक देखा है, इज द वे आई एम शोइंग यू, मी एंड अस्तु एंड अ लोकल सर। हेलो जी, गर्म पानी बाहर, टेम्परेचर है 10 डिग्री, और यहाँ भाई लोग इंजॉय कर रहे हैं, 25 तो होगा पानी। और जो आप जितना सेंटर में जाते हो ना इसके, उतना ना नीचे गर्म होता जाता है। अब इसके नीचे दिखाता हूँ क्या है, दिस इज मड एंड सल्फर मिक्सड, यू सी दिस लुक्स डिस्गस्टिंग राइट, दिस इज नेचर नॉट डिस्गस्टिंग, दिस इज ब्यूटिफुल। मैं भागा हूँ भाई, अंदर नहीं आया हूँ। अस्तारे ने कपड़े यहाँ उतारे हैं, वो देखो वो अस्तारे कपड़े, मैंने कपड़े गाड़ी में फेंक कर आ गया हूँ। हॉट स्प्रिंग्स में एक रेजुवनेटिंग बाथ लेने के बाद हमें लोकल से पता चला कि ये कोई ऐसी वैसी एक्टिविटी नहीं। हर साल लद्दाख के लोकल्स 10 दिन के लिए यहाँ आते हैं फॉर अ हीलिंग रिट्रीट। चूंकि सल्फर में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इनके यहाँ लोकल वैद्य हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल करके और हॉट स्प्रिंग के पानी की पावर्स को यूज करके एक हीलिंग रिट्रीट चलाते हैं फॉर 10 डेज, और लोकल्स आते हैं यहाँ टू रेजुवनेट, टू रिकवर एंड टू बी रेडी फॉर द हार्श अपकमिंग विंटर्स। चाहे मैं अंडे की तरह स्मेल कर रहा हूँ, आई होप योर बॉडी होगा अच्छा फील हो रहा है, आई एम श्योर हो रहा है यार। सवाज लगा के दोनों भाई बदबू भगा रहे हैं। अरे आंटी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, शुक्रिया बहुत बहुत। दोस्तों ये है लद्दाख की हॉस्पिटैलिटी। शुक्रिया जी आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जाम राम। तारा ने बाय बाय बोल दिया अपने नए दोस्तों को, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन ऑफ लद्दाख मेडिसिन पसंद आया होगा, जैसे उन्होंने मेडिसिन दिए एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स एंड हाउ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्वाइव इन दीज एक्सट्रीम कंडीशंस, है ना। बट विदाउट फर्दर ड्यू, अब हो चुका है हमारा पोगो खत्म, नाउ वी आर हेडिंग टू आवर नाइट लोकेशन व्हिच इज सोमोरीरी, एंड वहाँ पे जाके हम ये एपिसोड खत्म करेंगे। और अब फाइनली हमने सब देख लिया और सब एक्सपीरियंस कर लिया पूगा में, और अब समय आ चुका है कि हम अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करें। तो दोस्तों फाइनली आफ्टर अमेजिंग टाइम एट पूगा एंड राजस्थान ने जो किया है हॉट स्प्रिंग में बेथिंग, मतलब ये तो सबसे हमने प्लान तक नहीं किया था, सबसे अनएक्सपेक्टेड था। हम गए, एक वहाँ पे पानी का था, उसमें से अपना खोपड़ा एक कुछ ऐसे गोल सा दिख रहा था, तो मैंने बोला अस्ताना मुंडी है, अस्ताना बोलते पागल है पत्थर है, हॉट स्प्रिंग में कौन नहाएगा। मैंने बोला ब्रो नहीं मुंडी है, अस्ताना बोलते नहीं नहीं पत्थर है, मैंने बोला जल्दी का पत्थर होगा, खुद बोलता है ब्रो मुंडी है, चलते हम भी। और उसके बाद हम दोनों कूद गया, नाउ वी स्मेल लाइक सल्फर, लाइक आई स्मेल सल्फर, सॉलिड सल्फर। निकाल जरा मेरे यार मारियो ये अपना महंगा परफ्यूम यहाँ, राइट स्ट्रेट टू सोमोरी, जो कि होगा अनदर 45 किलोमीटर। हम पूगा से अपनी जर्नी शुरू करते हैं और कुछ 10 किलोमीटर के बाद पहुंचते हैं सुमडो गांव, जहां पहुंच के हम अपने आगे का रास्ता पूछते हैं इन भाई से। सर झूले सोमोरी का आगे से राइट, फिर यहाँ से कितना टाइम लगेगा? नीचे से आगे
यहाँ सीधा जाना है, सीधा जाना चौक पे आगे, चौक मतलब बोर्ड लगा होगा। हाँ और जरूरी नहीं बोर्ड, वहाँ चौक है आगे चला जाओ। कितना किलोमीटर आगे से राइट है ये ना? ये सब अच्छा, यहाँ से राइट ये सारे पहाड़ जाना है। और भाई की बात मानते हुए हम आगे चलते हैं और हमें दिखता है सोमोरीरी का राइट टर्न। सो दोस्तों फाइनली वी हैव रीच टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोमोरीरी। ये पुआ के बाद में लेफ्ट टर्न लिया और ये रोड से पीछे निकल गया, सीधा निकल गया टुवर्ड्स ले। इस रास्ते पे हम क्रॉस करते हैं एक पास जिसका नाम है नामाशांगला और उल्टे हाथ पे क्यागटसो को छोड़ते हुए अपना रास्ता बनाते हैं सोमोरीरी की तरफ। पर आज हम जा रहे हैं सोमोरीरी के लेफ्ट बैंक में, तो हम करजोक से कुछ 5-10 किलोमीटर पहले से एक लेफ्ट टर्न ले लेते हैं टू हेड इनटू द लेफ्ट बैंक ऑफ सोमोरीरी। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम सोमोरीरी के ट्रेल में और आप देख सकते हो यहाँ की गद्दी, कितने सारी बकरियाँ यहाँ पे, आहा देखो ये रही बकरी, वो रही बकरी, बकरी हर जगह बकरी स्थान है। इस पीछे भी देखो बकरियाँ, छोटी छोटी हो रहे हैं उनकी गद्दियों के बकरी के, वो सो यू विल हैव अ फील ऑफ हाउ द माउंटेन लुक्स। चलो तो आप ये चल सकते हैं। ये तो लेना ही भूल गए यार आप, ये लो बोलो थैंक यू बाय। और 40 किलोमीटर के बाद हम करजोक से पहले लेते हैं लेफ्ट टू गो टुवर्ड्स द लेफ्ट बैंक ऑफ सोमोरीरी। और फाइनली हमें दिखा हमारा फर्स्ट व्यू ऑफ सोमोरीरी। पास का नाम है क्या नाम था? चुमुरला। चुमुरला नहीं ऐसे कुछ है, चुमुरला, चुसुंगला नहीं, चुसुंगला समझ। वी जस्ट क्रॉस द पास यहाँ से और हमारे सामने समय में सोमोरीरी पूरा दिख रहा है। आपको दिखाता हूँ कि सो यप राइट ओवर देयर सोमोरीरी। हम थोड़ा सा उल्टा आ रहे हैं क्योंकि हमें एक ऑफ रोड ट्रेल मिली है ऑन द लेफ्ट, आप देख सकते हैं, जो कि सीधा नीचे जा रही है टूवर्ड्स द What is would this be as to south side or north side? We are heading the northwest right now. मतलब lake का opposite end जहाँ से आप आते हैं उसका ये opposite end है and now हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़े trail में रास्ता डालते हैं गाड़ी जहाँ से we can find our way to the bottom जहाँ पे हमें मिलेगा camping site हमारी आज की। ऐसे भी डाल सकते हैं, डाल दूँ ऐसे भी, मतलब सब सेम ही है या आगे एक पॉइंट था वो दिख रहा है पॉइंट मेरे को, पास के साथ साथ ही है बिल्कुल। यति को 4H ऑटो पर डालकर हम यति को दे देते हैं ट्रेल में टू फाइंड आवर ओवरलैंडिंग स्पॉट फॉर टुनाइट। थोड़ी देर रेकी करने के बाद हमें आज का कैंपिंग स्पॉट तो मिला नहीं पर इस व्यू को देखकर और रुका नहीं गया, इसीलिए और फाइनली थोड़ी देर कुछ और हाथ पांव मारने के बाद और कुछ कयांग यानी हिमालयन वाइल्ड एसेस को हेलो बोलकर हमें फाइनली मिलती है आज का कैंपिंग स्पॉट। दोस्तों फाइनली मेरी टू सोमोरीरी, दिस इज अ बेस्ट फॉर टुडे, डे नंबर टू की रात की कैंपिंग है और हवा बहुत चल रही है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स क्विकली गेट इनटू सेटिंग अप द कैंप, कैंप सेटअप करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ व्हाट्स द प्लान ऑफ दिस। और अब पूरे दिन के लंबे सफर के बाद हम सोचते हैं कि सोमोरीरी के क्रेजी लुकिंग स्पॉट पे आज टेंट लगाएंगे और खाना पीना और रेस्ट करेंगे, पर हमें तो कोई आइडिया ही नहीं था कि टेंट लगाना भी एक अलग ही टास्क होगा। तो दोस्तों फाइनली बहुत जद्दोजहद के बाद आपके भाइयों ने लगा लिया है अपना टेंट। अब देखो प्रॉब्लम क्या क्या हुई है, हवा विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा है यहाँ पे कि वी हैड टू यूज़ यति का टायर एंड साइड स्टेप एज सपोर्ट, क्योंकि विंड प्रेशर इतना आ रहा है कि आपने वीडियो में देखा होगा हमारा टेंट एक बार उड़ गया। फिर हमने अपनी
20-20 लीटर की दो जेरी कैन जिसमें तेल है हमारा उसको यूज़ किया है आग फ्रंट सपोर्ट के लिए एंड फॉर द साइड सपोर्ट हमने पत्थर लगाए हैं आप देख सकते हैं राइट बिहाइंड मी द सन विल सेट एनी टाइम एंड इट विल गेट अभी इतनी हवा चल रही है बट इट विल गेट अल्ट्रा कोल्ड सो वी नीड टू क्विकली गेट इनसाइड और हम नीचे जाएंगे टू द लेक टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग ठीक है तो फटाफट अंदर सेटअप करते हैं और फिर मैं आपको टेंट के अंदर दिखाता हूँ हमारा सेटअप फॉर टुडे दोस्तों आप सबका स्वागत है अस्तु और वंडर विद स्काई के टेंट में और हमारे शेफ साहब लगे हैं अभी गुजराती थेपले बनाने में सो ऑल माय गुजराती फैम दिस वन इज फॉर यू थेपले रॉक्स और तुम लोगों में कैंपिंग सीक्वेंस कर में क्या ही बताऊं तुम्हें बता देता हूं अगर तुमने जानना है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है तो जाओ और मेरा और अस्थाना का हमता पास वाला ब्लॉग देखो उसमें सब पता चल जाएगा कि हम लोग खाना कैसे बनाते हैं फिर जाके मेरा और हमने कौन सी किया था जांसकर वैली का हमने पहला वो लैंड नहीं किया था मैंने और अस्थाना ने उस पर जाओ वहाँ जाके देखना गैस कौन सी यूज़ करते हैं ऐसे ना हर ब्लॉग में तो थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा मगर अगर तुम्हें फिर भी जानना है सब कुछ तो जांसकर 1.0 का रिव्यू देखना उसमें तुम्हें पूरा कुकिंग सेटअप का क्या है क्या नहीं है सब पता चल जाएगा एंड दैट्स द सेम सेटअप जो हमारी जांसकर में था अभी तक 3 साल से बिल्कुल बढ़िया अचार और थेपला At 5000 meter, aka 5 into 2.4, which is equal to 13,000 feet. 16,000 feet पे बैठ के भाई लोग थेपले खा रहे हैं इसमें हमने किया है मटर पनीर दिस इज आर ब्रेड एंड बटर और ऐसे हमारे पास बहुत सारा इंटीरियर का खाना है पुलाव पुहाओ भी पानी को गर्म करो एंड देन यू जस्ट पुट दैट इन इट This is a nitrogen sealed container जिसमें खाना है जलेंगे गर्म गर्म पानी में अस्तु दोस्तों अंदर से बैठे हैं बिकॉज विंड ब्लास्ट हो कैसे विंड ब्लास्ट हो रहा है देखो शेफ साहब ने खाना बना दिया है सो सबसे पहले हमारी स्पेशलिटी है आज मटर पनीर सॉरी पुलाव वेज पुलाव तो टेस्टिंग रिव्यू सब्जी चाहिए छोले राजमा भी आ गया है बस प्याज मिल जाता ना तो जिंदगी बन जाती दोस्तों ये हमारा MTR आप आवाज सुन ही सकते हो सड़ूं सड़ूं की आवाज चल रही है नाइस समय हो रहा है 8 और मेरे बच गए 12 वंडर विद स्काई शॉल सिर्फ कूल नहीं प्रैक्टिकल भी है और ये ओया सोफा आ गया है दोस्तों टेंट के अंदर बाहर एक मस्त गोप्रो लगाया है देखते कुछ होता ही नहीं शूट उससे अब अस्तु भी अपना निकाल रहे हैं इन्होंने नया टेंट स्लीपिंग बैग लिया इनको लास्ट मोमेंट में याद आया कि हमें तो सोना भी था बट यार दिस इज द क्यूट टेंट वी आर स्लीपिंग इन दिस इज अ 5% केचुआ टेंट अगेन बाय डेकैथलॉन अभी ये जो सारा जमेला है इसको भी तो उतारना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है दोस्तों आपको लग रहा है आपको बहुत ठंडी लग रही है और आप क्रेजी हो जाओगे और आप उस क्रेजीनेस में क्या करोगे कपड़े गर्म कपड़े पहन के सो जाओगे और फिर आप इतने गर्म हो जाओगे कि आप उतरोगे और आप अपने गर्म कपड़े उतार दोगे और आप सो जाओगे और सुबह उठोगे आप बीमार होगे क्यों स्लीपिंग बैग भी खोल दोगे हाँ सो आप सब खोल चुके होगे तब तक सो या चूज व्हाट यू वुड लाइक टू वेयर बिकॉज स्लीपिंग बैग टेक सम टाइम बट वंस इट्स ऑन इट्स ऑन अब हम ये वाली चेन बंद कर लेंगे एंड देन वी विल बी राइट टू स्लीप कंफर्टेबली और हम इतने आइसोलेटेड जगह में तुम्हें सुबह दिखाऊंगा प्रॉपरली हमें कोई नहीं देख सकता यहाँ पे दोस्तों अगर उठा तो वापस आता हूँ और नहीं उठा तो मिलते हैं सुबह और फिर शुरू हुई एक लंबी लड़ाई तूफानी हवाएं हाई ऑल्टीट्यूड और AMS का कॉकटेल ये रात मैं कभी नहीं भूलने वाला पर इस रात ऐसा हुआ क्या इस चुनौती को रखते हैं अगले एपिसोड के लिए तो दोस्तों शुक्रिया आज इस ब्लॉग में प्यार देने के लिए सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग जय हिंद